वेलकम टू द एक्स्ट्रा क्लास इंग्लिश और आज हम करने वाले हैं हॉर्नबिल बुक का छोटा सा प्ले जिसका नाम है द ब्राउनिंग वर्जन बाय टेरेंस रैटिगन। सो टेरेंस रैटिगन एक ब्रिटिश ड्रामेटिस्ट हैं, यानी कि वो बहुत सारे प्लेज लिखते हैं या ड्रामास लिखते हैं। एंड दिस स्मॉल शॉर्ट प्ले बेसिकली एक छोटा सा एक्सक्रिप्ट है फ्रॉम दिस बिगर प्ले। ऑल्सो इसके जो कैरेक्टर्स हैं इसीलिए इस चैप्टर में या फिर इस प्ले में बहुत लिमिटेड हैं। सो द कैरेक्टर्स आर टैपलॉव। टैपलॉव एक यंग स्टूडेंट है। मिस्टर क्रॉकर हैरिस। मिस्टर क्रॉकर हैरिस बेसिकली एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर है। मिस्टर फ्रैंक जो कि लीनियंट है इन कंपेरिजन विद मिस्टर क्रॉकर हैरिस, ही इज़ द साइंस टीचर। एंड मिसेज मिली हैरिस who is the wife of Mr. Crocker Harris. So when this play opens, तो हमें पता चलता है that Taplow is staying back and वो अपना काम complete कर रहा है। और वो ऐसा क्यों कर रहा है? Because उसको Mr. Crocker Harris ने बोला था to stay back and complete his work. Mr. Crocker Harris ने उन्हें बोला था कि he will meet him at his place by 6:30, लेकिन अब 6:40 हो गए हैं, अभी तक Mr. Crocker Harris नहीं आए हैं, but Taplow is still sitting there and doing his work. So in the meanwhile, another teacher enters, jiska naam hai Mr. Frank. So when Mr. Frank enters and he notices Taplow, so he thinks ki ye yahan pe kyun baitha hai, ek bachcha lag raha hai, unko lag raha hai ki ye yahan pe kya kar raha hai. So he asks him ki tum yahan pe kya kar rahe ho, why have you stayed back and everything. So Taplow reply करता है कि because I was ill for few days and I want to get promoted to the next class, क्योंकि मुझे science लेनी है and that is why I'm staying back and doing all this work and मैं specifically इससे रुका हूँ because Mr. Crocker Harris has told me to do so. So when Frank sees this sincerity and dedication जो कि उसको नज़र आती है towards Crocker Harris, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो जाता है और वो समझ नहीं पाता कि ये जो बच्चे हैं वो इतनी सिंसियरिटी कैसे दिखाते हैं विद मिस्टर क्रॉकर हैरिस, जबकि मेरे साथ वो काफ़ी ज़्यादा लीनियंट रहते हैं। सो व्हेन ही थिंक्स ऑल दिस, वो बीच बीच में बात करता है टू टैपलॉव एंड ही आस्क्स हिम दैट तुम क्या करना चाहते हो आगे एंड व्हाट आर योर प्लान्स। सो ही सेज दैट कि मैं चाहता हूँ कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस, बिकॉज आई एम स्टेइंग बैक एंड डूइंग माई वर्क, सो इसीलिए मुझे रिमूव दें। यहाँ पे रिमूव का मतलब क्या है? दैट मीन्स ही प्रमोट्स हिम। ये कहता है कि मैं साइंस में जाने के लिए इंटरेस्टेड हूँ एंड दैट इज़ वाई मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। सो टैपलॉव से पूछते हैं मिस्टर फ्रैंक कि क्या तुम्हें लगता है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस तुम्हें एक्स्ट्रा मार्क्स देंगे एंड ही विल गेट यू प्रमोटेड। सो वो कहता है कि हाँ, लेकिन बहुत अनप्रडिक्टेबल है मिस्टर क्रॉकर हैरिस, हो सकता है ऐसा क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है या आई एम वर्किंग एक्स्ट्रा, तो शायद वो मुझे रिमूव ना दें बिकॉज मेरी ही गलती थी कि मैं स्कूल नहीं अटेंड कर पाया था बिकॉज आई वॉज सिक। सी ही इज ट्राइंग टू शो कि किस तरह से मिस्टर क्रॉकर हैरिस काफ़ी ज़्यादा प्रडिक्टेबल नहीं है, ऑल्सो उनका जो नेचर है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है और बाकी सारे टीचर्स से काफ़ी अलग है। सो मिस्टर फ्रैंक आस्क्स टैपलॉव कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा रिजल्ट कैसा होगा। सो ही सेज कि मुझे नहीं पता, अब पता नहीं कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस हमें बताएंगे या नहीं बताएंगे या एंड ऑफ द टर्म में बताएंगे। सो दैट इज़ वाई कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड आई एम सिटिंग हियर एंड डूइंग माई वर्क। सो इन बिटवीन फ्रैंक एंड टैपलॉव दे हैव कॉन्वर्सेशंस और उस कॉन्वर्सेशन में उन्हें पता चलता है एक दूसरे के बारे में, जैसे कि मिस्टर फ्रैंक को पता चलता है टैपलॉव के बारे में कि वो लिटरेचर पढ़ने में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है एंड मे बी दैट इज़ बिकॉज ऑफ द टीचर ऑल्सो। सो ही सेज दैट कि मुझे साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट है। सो मिस्टर फ्रैंक सेज दैट कि हाँ, लेकिन मुझे इतना कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, इवन दो ही इज़ अ टीचर जो साइंस पढ़ाता है, स्टिल ही डज नॉट हैव। और यहाँ पे जो मिस्टर फ्रैंक का कैरेक्टर है दैट इज़ वेरी यंग, दैट इज़ वेरी यूथफुल, यानी कि ये मिस्टर क्रॉकर हैरिस की तरह ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है बिकॉज ये काफ़ी यंग एज के हैं, सो स्टूडेंट्स इसके साथ ज़्यादा बेटर कनेक्ट करते हैं एंड दैट इज़ वाई जब उनके साथ ज़्यादा बेटर कनेक्ट करते हैं तो एक तरह का डेकोरम या एक तरह की सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस के लिए फील करते हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं वो मिस्टर फ्रैंक के लिए फील
नहीं करते। और ये बात मिस्टर फ्रैंक को कहीं ना कहीं बहुत अजीब लगती है, कहीं ना कहीं उनको बुरा लगता है, एंड दैट इज व्हाई ही आस्क्ड टैपलोव कि तुम लोग इतने सिंसियर कैसे रहते हो। सो टैपलोव सेज हिम कि वन हैज़ टू बी ना, बिकॉज मिस्टर क्रॉकर हैरिस है ही इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट। सो फ्रैंक कहते हैं कि तुम्हें लगता है, मुझे लगता है कि शायद वो तुम्हें कहीं मारते पीटते तो नहीं है। सो टैपलोव कहते हैं कि नहीं नहीं, ही इज़ नॉट अ सैडिस्ट। सो सैडिस्ट का मतलब क्या होता है? सैडिस्ट इज अ पर्सन जो दूसरों को परेशान करके खुश होता है, हु गेन्स प्लेजर आउट ऑफ लुकिंग समवन जो कि पेन में हो। सो दैट इज वाई जब मिस्टर फ्रैंक पूछते हैं टैपलोव से, सो टैपलोव सेज कि नहीं, ही इज़ नॉट अ सैडिस्ट, बट इट्स जस्ट कि वो इसका उनका नेचर ही ऐसा है, वो इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वन के नॉट टेल कि उनके पास एक्चुअली में हार्ट है या नहीं। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट ही टेल्स टू मिस्टर फ्रैंक। मिस्टर फ्रैंक ऑल दो थोड़े थोड़े इन बातों से कन्विंस नहीं होते, उनको लगता है शायद कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है, कोई ना कोई ऐसा मैजिक ज़रूर है जिसकी वजह से ये जो बच्चे हैं मिस्टर क्रॉकर हैरिस की बात इतनी ज़्यादा मानते हैं। सो मिस्टर फ्रैंक टैपलोव को कहते हैं, देखो अभी तक तो क्रॉकर हैरिस आए नहीं है, तो तुम बाहर जाओ और गोल्फ क्लब में जाके खेल सकते हो इससे पहले गोल्फ क्लब बंद हो जाए। सो टैपलोव डर जाता है, वो कहता है कि नो आई कैन नॉट डू दिस, एंड ही गेट्स कैरिड अवे। और उसको यू नो जिस तरह से मिस्टर क्रॉकर हैरिस बोलते हैं उस आवाज़ में बोलता है, एंड व्हेन ही सेज लाइक दैट तो उसको रियलाइज होता है कि नहीं, मैं एक टीचर की बुराई दूसरी टीचर के आगे कर रहा हूँ जो मुझे नहीं करनी चाहिए। सो ही ऑल्सो रियलाइज दीज ऑल थिंग्स, दे हैव अ कॉन्वर्सेशन। सो नाउ वट हैपन्स इज दैट मिस्टर फ्रैंक एंड टैपलोव जब बात कर रहे होते हैं अबाउट मिस्टर क्रॉकर हैरिस, मिस्टर फ्रैंक टैपलोव से इन सब चीज़ों के बारे में जान रहे होते हैं। सो टैपलोव उन्हें बोलता है कि इवन दो यू नो मुझे लगता है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाले इंसान हैं, काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, काफ़ी अनप्रडिक्टेबल है, एंड उनका नेचर कभी कभी इस तरह से हो जाता है कि वन के नॉट यू नो अंडरस्टैंड ही हैज़ अ हार्ट और नॉट, बट कहीं ना कहीं मुझे फिर भी वो अच्छे लगते हैं, एंड मुझे भी ये बात बहुत अजीब लगती है लेकिन कभी ना कभी मुझे वो कहीं कहीं मोमेंट्स पे अच्छे लगते हैं। सो हाउ डज ही डिस्क्राइब दिस? ही सेज दैट एक बार क्लास में मिस्टर क्रॉकर हैरिस को लगा था कि क्लास का माहौल थोड़ा बहुत ज़्यादा शांत है, सो ही ट्राइज टू क्रैक अ जोक, एंड व्हेन ही डज सो, सो किसी को हंसी नहीं आती उनके जोक पे, एंड इवन टैपलोव डज नॉट फील लाइक लाफिंग, बट देन स्टिल व्हेन ही नोटिसेस द एफर्ट दैट मिस्टर क्रॉकर हैरिस इज पुटिंग इन ऑल दिस, वो देखता है मिस्टर हैरिस को, सो ही स्माइल्स, ही लाफ्स। सो ऑब्वियसली अब मिस्टर क्रॉकर हैरिस बिकॉज इतने ज़्यादा डेकोरम और इतने स्ट्रिक्ट इंसान दिखते हैं, ऑल्सो ही इज़ द वन हु इज़ अ नाइस ऑब्जर्वर, सो इन द एंड ऑफ द क्लास मिस्टर क्रॉकर हैरिस बुलाते हैं टैपलोव को अपने पास, एंड यू नो ही सेज दैट आई सॉ कि तुम मेरे जोक पे हंस रहे थे, एंड यू नो नो बडी एल्स इज़ लाफिंग, सो दैट मीन्स शायद तुम उस मेंटल IQ के हो जो शायद इन सब चीज़ों को समझ सको। सो ही ट्राइज टू से दिस टू हिम, एंड वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हें ये बात समझ आ गई है, बाकी सबको समझ नहीं आई है, बाकी कोई मेरे इस जोक को समझ नहीं पाया, सो आई वॉन्ट यू टू टेल दिस टू एवरीबडी एल्स, यानी कि तुम इस जोक को सबको सुनाओ। सो वेन ही डज दिस, सो मिस्टर फ्रैंक सेज कि ठीक है टैपलोव मुझे भी वो जोक सुनाओ। सो वेन टैपलोव एक्चुअली स्टार्ट्स टू डू दिस, इतने में क्या होता है, मिस्टर क्रॉकर हैरिस की वाइफ मिसेज मिली हैरिस आ जाती हैं, एंड शी इज स्टैंडिंग देयर, एंड किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है मिली हैरिस को, दैट शी इज़ क्वाइट ब्यूटिफुल, और वो काफ़ी अनप्रडिक्टेबली ब्यूटिफुल और अपने आप को अच्छे से कैरी करती हैं, क्योंकि बाकी सारी जो टीचर्स की वाइफ्स हैं वो अपने आप को इतने अच्छे से कैरी नहीं करती, जस्ट लाइक हाउ मिली हैरिस डज। सो दिस इज़ वॉट इज़ डिस्क्राइब्ड अबाउट हर, कि वो काफ़ी अच्छे से ड्रेस्ड है एंड शी इज़ ब्यूटिफुल, दीज आर द थिंग्स दैट आर डिस्क्राइब्ड अबाउट हर। सो जैसे ही वो नोटिस करते हैं दैट मिसेज मिली हैरिस इज देयर, सो एकदम से टैपलोव स्टार्टल्ड हो जाता है, स्टार्टल्ड मतलब ही शॉक्ड, उसे लगता है कि आज तो इन्होंने सुन लिया एंड अब तो मेरी बारी आ जाएगी, ये बता देंगी अपने हस्बैंड को, एंड देन बस मेरा तो हो गया काम तमाम। सो मिस्टर फ्रैंक एंड टैपलोव दिस सिट, और टैपलोव पूछता है मिस्टर फ्रैंक से, आपको लगता है कहीं हमारी बातें सुन तो नहीं ली मिली हैरिस ने? सो फ्रैंक कहता है कि नहीं मुझे लगता नहीं है, पर शायद सुन ली हो, काफ़ी टाइम से वो खड़ी थी। सो ही सेज दैट आपको लगता है कि ये मिस्टर क्रॉकर हैरिस को बताएंगी? सो मिस्टर फ्रैंक सेज यू नो आई जस्ट डोंट नो। सो इतने में
मिसेस मिली जो कि पहले सभी खड़े होकर देख रही थी इन चीज़ों को, नाउ शी कम्स इन एंड शी टॉक्स टू टैपलॉव एंड शी सेज दैट यू आर वेटिंग फॉर माई हस्बैंड. सो टैपलॉव इज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वो घबराया होता है, शाय होता है, इज ऑल्सो वेरी शॉक्ड कि मेरी बातें पता है नहीं सुन ली हैं उन्होंने या नहीं सुनी है. सो वो आँखें नीचे करके ही इज़ ट्राइंग टू से दैट येस आई एम वेटिंग फॉर हिम. सो शी सेज कि वो कहीं बाहर गए हैं एंड उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है, सो आई थिंक यू कैन गो. सो वेन ही हियर्स दिस ही सेज दैट नो आई विल वेट फॉर मिस्टर क्रॉकर हैरिस एंड जब तक वो नहीं आते मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा. सो ही सेज दैट कि अगर मैं यहाँ से चला जाऊँगा एंड इतने में मिस्टर क्रॉकर हैरिस आ गए देन सो मिसेस मिली टेल्स हिम दैट तुम इस बात की टेंशन मत लो. सो बेसिकली मैं जा रही थी बाहर कुछ सामान लाने के लिए, उनके हाथ में एक बास्केट होती है एंड शी हैज़ दिस प्रिस्क्रिप्शन. सो शी गिव्स दैट प्रिस्क्रिप्शन टू टैपलॉव एंड शी सेज कि यू कैन गो टू द केमिस्ट शॉप एंड गेट दिस. तब तक मिस्टर क्रॉकर हैरिस आ जाएंगे एंड डोंट वरी अगर वो तुमसे पहले आ गए सो आई विल टेक द ब्लेम ऑन मी. सो फाइनली शी कन्विंसेस टैपलॉव कि वो वहाँ से चला जाए ना. व्हाई शी डज दैट? शी डज दैट बिकॉज शी सीज कि किस तरह से डरा हुआ है, कितना बाउंड फील करता है टैपलॉव, दैट उसको लगता है कि वो यहाँ से अगर चला जाएगा तो मिस्टर क्रॉकर हैरिस उसे बहुत डांटेंगे. ऑल्सो दिस काइंड ऑफ शोज ऑफ सिंसेरिटी जो उसकी है टूवर्ड्स मिस्टर क्रॉकर हैरिस. डर तो है ही है बट उसके साथ साथ सिंसेरिटी भी है. सो दिस इज वॉट मिली सीज की किस तरह से कंट्रोल करते हैं मिस्टर क्रॉकर हैरिस अपने स्टूडेंट्स को. दैट इज वाई शी लेट्स हिम गो एंड दिस प्ले एंड्स हियर. सो बेसिकली अगर ऑल एंड ऑल इस प्ले को देखा जाए इट्स अ वेरी शॉर्ट प्ले दैट टॉक्स अबाउट द काइंड ऑफ एटीट्यूड एक स्टूडेंट अपने टीचर के साथ शेयर करता है. सो देर आर टू टीचर्स वी आर टॉकिंग अबाउट. फर्स्ट इज मिस्टर क्रॉकर हैरिस एंड सेकेंड इज मिस्टर फ्रैंक. सो मिस्टर क्रॉकर हैरिस एंड मिस्टर फ्रैंक बेसिकली एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है. जहाँ पे मिस्टर क्रॉकर हैरिस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, मिस्टर फ्रैंक इज़ वेरी ईजी, ही इज़ वेरी लीनियंट विद स्टूडेंट्स. सो ही इज बेसिकली अ काउंटर इमेज ऑफ मिस्टर क्रॉकर हैरिस. तो ये बातें जो है हमें पता चलती हैं कि किस तरह से स्टूडेंट्स का जो नेचर है डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स के लिए डिफरेंट होता है. अगर कोई टीचर उनके साथ स्ट्रिक्ट है सो दे आर ऑल्सो वेरी सिंसियर टू दैट टीचर. ऑल्सो वो उनकी बात ज़्यादा सुनते हैं, उनसे डर के रहते हैं. वहीं दूसरी तरफ अगर टीचर मिस्टर फ्रैंक की तरह हु इज़ यंग, हु कनेक्ट्स बेटर विद स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स का जो नेचर है उनसे थोड़ा डिफरेंट होता है. सो ऑल एंड ऑल दिस प्ले बेसिकली टॉक्स अबाउट हाउ अ स्टूडेंट has a different, you know, perspective about a teacher who is strict and a teacher on the other hand who is very lenient. So, in choti si cheezon ke baare mein hi yahi bata raha hai ye play hame by Terence Rattigan. So, that's all for this video. Until the next video, keep practicing, keep learning. Thank you.